दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन में लोन लेने वाले लोगों को राहत देने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3 महीने की ईएमआई स्थगित करने का विकल्प दिया है। आप चाहें तो मार्च, अप्रैल और मई की अपनी ईएमआई रुकवा सकते हैं। ईएमआई स्थगित करने वाले लोगों को थोड़ा सतर्क रहना होगा। बैंकों ने अपने कस्टमर को कहा है कि वे ओटीपी और पिन जैसी जरूरी जानकारी किसी धोखेबाजों को बताने से बचें। एक्सिस बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने पिछले कुछ दिनों के दौरान अपने कस्टमर को इस बारे में एसएमएस और ईमेल भेज के सतर्क किया है। उन्होंने कस्टमर को ठगी के इस नई तरीके के बारे में बताते हुए कहा है कि धोखेबाज और साइबर अपराधी लोगों की बैंकिंग जानकारी हासिल करने के लिए ईएमआई राहत योजना का सहारा ले सकते हैं। बैंकों ने कहा है कि ये ठग ईएमआई भुगतान को टालने का जिक्र करके आपसे ओटीपी, सीवीवी, पासवर्ड और पिन आदि मांग सकते हैं। इनसे सतर्क रहिए दोस्तों, अगर आप ये जानकारियां बताएंगे तो आपको चूना लग सकता है। दोस्तों, स्टेट बैंक ने कहा है कि साइबर अपराधी और ठग नए तरीके से लोगों को चूना लगा रहे हैं। इसे लेकर हमेशा सतर्क और जागरूक रहिए। बैंकों ने कहा है कि इस नए तरीके में कस्टमर के पास फोन आता है और उनसे कहा जाता है कि अगर आप ईएमआई भुगतान को टालना चाहते हैं तो अपना ओटीपी बताइए। जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं, आपके खाते से पैसे कट जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी इस संकट के समय में सावधान रहें और बैंकों द्वारा दी गई जानकारी के लिए पूरे सतर्क रहें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।